केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के दौरे पर हैं। इस दौरान विपक्ष की जेपीसी की मांग पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जनता ने जो विश्वास नरेंद्र मोदी सरकार पर दिखाया है उससे विपक्ष पूरी तरीके से विवश हो चुका है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनकी जद में आप जाओ तो उनकी शुरुआत कांग्रेस के शासनकाल से ही हुई है। मैं आज अखबार में पढ़ रहा था कि एक एक नेता चीन के नक्शे की बात कर रहा है। 45,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन भारत माता की जमीन हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के आधार पर कौन सी सरकार ने पूर्ण रूप से गंवाई थी? आज देश की जनता इसका जवाब चाहती है। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से देश की एकता और अखंडता को बनाए रखा है आज केवल देश ही नहीं बल्कि विश्व में एक एक नेता उनकी प्रशंसा करता है। हमारे चिकित्सकों के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के द्वारा आयोजित किया गया सम्मान समारोह हमारे 51 सारे डॉक्टर आंगन के लिए जिन्होंने अपना पूर्ण जीवन मानव की सेवा के लिए समर्पित किया है। अभी अभी पूरा विश्व कोरोना काल से उभरा है जिस कालखंड में हमारे चिकित्सकों ने विश्व में संपूर्ण मानव जाति की जान बचाने का कार्य किया। हम लोग सब कृतज्ञ हैं और आज जिन डॉक्टरों को हमने सम्मानित किया है हमारी यही आशा और अभिलाषा है कि वे आते हुए समय में भी इसी सेवा भाव की भावना के आधार पर हर व्यक्ति की सेवा जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।